हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले बहुत ही बेहतरीन कैप्सूल के बारे में। चाहे जहाँ भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे आपका प्राइवेट पार्ट के अंदर हो, चाहे बाहर हो, चाहे पेनिस के अंदर या वजाइना के अंदर या बाहर हो, तो आप चाहे आपका जैसा उंगली का नाखून का जो इन्फेक्शन होता है फंगल वो हो, चाहे आपके पाँव के नाखूनों का इन्फेक्शन हो फंगल इन्फेक्शन, तो वहाँ पे इसका बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आप पा सकते हैं। तो आज इसी तरह के कैप्सूल के बारे में हम बात करेंगे हिंदी में। तो दोस्तों, अगर आप मेडिसिन की जानकारी हिंदी में रखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इट बोर 200 mg कैप्सूल के बारे में। इसको मैन्युफैक्चर करता है हेट्रो हेल्थ केयर। हम मेनली तीन टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे इसमें कंटेंट क्या है, यह कार्य कैसे करता है और इसकी प्राइस क्या है, लास्ट में यूजेस और साइड इफेक्ट देखेंगे। तो दोस्तों, हमका इसका जो इसमें कंटेंट है वह है इट्राकोनाजोल 200 mg, और अब हम देखेंगे यह कार्य कैसे करता है। तो दोस्तों, यह जो फंगल का सेल वॉल रहता है उसे ही नहीं बनने देता है, ये जो सिंथेसिस रह जाए जिसकी वजह से सेल वॉल फॉर्मेशन होता है उस सिंथेसिस को ये रोक देता है, जिसके कारण जो फंगस का जो सेल रहता है, जो सेल वॉल रहता है वो बनने नहीं देता और उसका लीकेज हो जाने के कारण से वो मर जाता है। तो ये इस तरह से इट्राकोनाजोल काम करता है। अब बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में। इसकी प्राइस है 7 कैप्सूल का ₹190। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में। तो दोस्तों, इसका यूजेस है कि जब भी आप खाना खाते हैं उसके तुरंत बाद इसे लीजिए, आप इसका जो बेस्ट टू बेस्ट आप इसको रिजल्ट मिलेगा खाना खाने के बाद। अगर उसके जैसा आप बाकी टाइम लेंगे तो उसका रिजल्ट कम मिलेगा, लेकिन खाना खाने के बाद आप लेते हैं तो इसका बेस्ट रिजल्ट मिलता है, 99% तक रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, मैं एक बार आपको कहना चाहूँगा कि इस मेडिसिन को लेने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह लीजिए, जो चमड़ी विशेषज्ञ डॉक्टर रहते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन हो या प्रेग्नेंट होना चाहते हो तो इस कैप्सूल का उपयोग ना कीजिए। एक बार करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लीजिए। अगर आप जैसे कभी आपको हार्ट अटैक आया है या आपका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है, जैसे आपको जॉइंडिस हुआ, पीलिया हुआ है, पीले स्किन, तो आप इस कैप्सूल का उपयोग मत कीजिए और एक बार डॉक्टर की ज़रूर सलाह लीजिए अगर आप उपयोग करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये हुए इसके सारे डिटेल। अगर दोस्तों मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप फंगल इन्फेक्शन पे और भी मेडिसिन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ राइट हैंड साइड में जो प्लेलिस्ट आप उसको प्ले करके देख सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।